देखिए यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ हाथ के नीचे पिस्टल दिख रहा है इनका। हमारे पास 3 शस्त्र है, रिवॉल्वर, राइफल, 2 नाली बंदूक और तीनों ऑल इंडिया है। बस समय ऑल इंडिया परमिट है, ऑल इंडिया कहीं भी लेके घूम लेके जाती हूँ। दिमाग में जो आपका तस्वीर है किन्नरों के लिए, आप जो समाज में मजाक बनाते हैं हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ सियाव सी जे आनंद बा, सितम करने वाले कर्म क्या करेंगे, जब वफा वो करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो आप इतनी अमीर कैसे, देखिए उधर उधर पे दिखाइए, टाटा सफारी लगी है, ये भी गाड़ी देख लीजिए, ये टाटा नैनो लगी है, ये इस पे तो बॉडी लगा हुआ है। राज नहीं हूँ ना, जैसे ओम प्रकाशवा राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्या हो, दारा सिंह हो, ये महफिल जगबगाने के लिए अगर रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकता हूँ मैं, मगर नेताओं बुझाने में ज्यादा भड़कने का डर है। वाह जी, प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूँ सुमित कुमार, अभी मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में, और हमारे सामने देखिए जिनकी तस्वीर देख रहे हैं, ये मऊ की रानी, इनको जाना जाता है मऊ की रानी पिस्टल वाली इस नाम से। इनका नाम है सुरेंद्र उर्फ श्वेता, ये हमारे सामने खड़ी हैं, और इनके बारे में अगर मैं परिचय दूं तो आप सन्न रह जाएंगे, क्योंकि ये किन्नर समाज से आती हैं, और किन्नर समाज के बारे में जब भी आप सोचोगे तो आपके दिमाग में यही तस्वीर आएंगी कि ट्रेनों में चाहे तो पैसे मांगते हुए या फिर और जगहों पे, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि एक किन्नर समाज से व्यक्ति आते हैं जिनके पास एकदम गाड़ियां हैं, इतनी लग्जरी गाड़ियां, इनके पास 10 से 12 गाड़ियां हैं, इनके नाम पे बंदूक की, रिवॉल्वर की लाइसेंस है, इनके पास गार्ड हैं, इनके बॉडीगार्ड जो सिक्योरिटी में हैं वो समझ लीजिए कि BSF में रहे लोग हैं, उनसे बात हुई। तो बताइए इस तरह का ऑरा, और ये चुनाव लड़ चुकी हैं, ये चुनाव के बारे में कहां कहां से लड़ी है खुद बताएंगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव लड़ सकी हैं संसदी के लिए। तो स्वागत है आपका सच बिहार में, और आपको सबसे पहले तो बधाई कि आप किन्नर समाज को एकदम अलग लेवल पर ले जा रही हैं और अलग पहचान दिला रही हैं। लीजिए, सबसे पहले इस पवित्र धरती से मैं लोकसभा घोषी के भावी प्रत्याशी होने के नाते पूरे हिंदुस्तान की मीडिया को, अपने जनता और अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र उर्फ श्वेता है, हाल मुकाम चंद्रबानपुर, मकान नंबर 35/1, तहसील सदर कोतवाली, जनपद मऊ की निवासी हूँ, किन्नरों की प्रमुख हूँ, मऊ नगरा बलिया। अच्छा, किन्नरों की प्रमुख हैं, और एक बात बताइए श्वेता जी, श्वेता जी कहलाना पसंद करती हैं आप सुरेंद्र जी? कुछ नहीं, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किन्नरों को मेल और फीमेल पहले पास किया था 26/4/2004 में, तो अब तो सभी किन्नरों को मेल कर दिया है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, जब मर्द होके उर्फ लगा सकता है तो मैं मेल के जगह से फीमेल की लिबास में आई हूँ तो मैं उर्फ तो लगा ही सकती हूँ, उर्फ लगा सकते हैं। चलिए मैं श्वेता जी कह लूँगा। श्वेता जी, आपने इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दी है किन्नरों की, आप एक अलग पहचान बनाई, आप पिस्टल रानी के नाम से जानी जाती है, मऊ की रानी पिस्टल वाली, ये नाम कौन दिया और कैसे? देखिए, तमाम नगर पालिका के चुनाव लड़ी थी, उसमें तमाम मीडिया के लोगों ने आया था, बस समझ रहे, उसके बाद उन्होंने पूछा हमसे, हमारे पास 3 शस्त्र है, रिवॉल्वर, राइफल, 2 नाली बंदूक और तीनों ऑल इंडिया है। बस समय ऑल इंडिया परमिट है, ऑल इंडिया कहीं भी लेके घूम लेके जाती हूँ, बस समझ रहे। तो आप इतनी अमीर कैसे, देखिए उधर उधर पे दिखाइए, टाटा सफारी लगी है, ये भी गाड़ी देख लीजिए, ये टाटा नैनो लगी है, ये इस पे तो बॉडी लगा हुआ है, आप प्रचार वगैरह एकदम प्रॉपर कर रही हैं, आपके गार्ड हैं, बॉडी गार्ड लेके चलती हैं, तो आपका एकदम ऑरा है। नहीं तो लीजिए, मेरी माँ ने शहीदी जनपद पे पैदा की है ना, मैं वो नेता फरार नहीं हूँ ना, जैसे ओम प्रकाशवा राजभर हो, स्वामी प्रसाद मौर्या हो, दारा सिंह हो, जिस पत्तल में खाते हैं उसी पत्तल में छेद करते हैं, उसी कैटेगरी में हमको गिनेंगे क्या? जब हम राजभर वगैरह को सब कह रहे हैं पलटू राम है वो सब कुछ, अरे पूरा निरहुआ के भाई लागेला, उतावरी फ्रॉड है, का बोले के का बोल जाई, निरहुआ फ्रॉड है, आ निरहुआ को फ्रॉड कर रही है, अरे वो करे फ्रॉडगिरी के इहो सीखले बा भैया, इतने इतना सीखले बा, आने दीजिए चुनाव, जो जो शब्द इस्तेमाल किए हैं ना, भाजपा को मेरा
तो देखो देखे कि मोदी जोगी अमित शाह को कहाँ भेज रहा था, घंटा हिलाने को कह रहा था, अखिलेश को सैफई भेजने को कह रहा था, एक स्वामी प्रसाद मौर्य है सपा में उ रामचरित्र मानसे पर सवाल उठा कर रहा था। हाँ देख लीजिए, हम भी तो हिंदू के बाल बच्चा है रहा। देखिए बहुत अच्छा बोलती है, देख रहे हैं कितने पॉलिटिकल मंझे हुए वो बात करती है एकदम सेंसिबल, और ऊपर से आप पे हमला भी हुआ है, लोगों ने हमला किया आपकी लूटपाट कर बार। इसीलिए चुनाव आयोग से और मऊ की प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, जो तुम कहते हो कि 144 धारा लगा है, चार लोगों से अधिक नहीं होना चाहिए, और 124 को घटना हो गई, 123 को हो गई, 125 को हो गई, कहाँ सोए रहे? हमें उत्तर चाहिए इसका, चाहिए ना, तो एक एक प्रश्न का उत्तर लूंगी। सितम करने वाले कर्म क्या करेंगे, जब वफा वो करेंगे तो हम क्या करेंगे? खुदा से भला हो सका जब न मेरा, तो वो बुतकदों के सनम क्या करेंगे? वाह क्या बोलती हैं, आपके बोली का तो मैं प्रभावित हूँ, आसपास के लोग भी ताली बजा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे देखिए हाथ के नीचे पिस्टल दिख रहा है इनका, और ये एकदम बढ़िया सा एकदम तैयार होकर जाती है चुनाव, चुनाव में वोट मांगने जाती है, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है, क्या बात करते हैं? अभी आप चुनाव लड़िए जीती मेरी नहीं। बात सुनिए, आप लोग इंडिया लेवल के हैं, हमें आप भी जवाब दे सकते हैं, इसलिए कि आप भी भारत के नागरिक हैं। जब ये लोग मेरे जजमान हैं, देख रहे हैं ना उधर कैमरा दिखाइए, ये लोग जजमान हैं, उनके बच्चे के नाची हूँ, उनके नाती पोते के नाची हूँ, तो इसमें मांगने की क्या सवाल है? हम नेता नहीं है ना, देंगे जो भी होगा देंगे, देंगे उन्हीं लोग का पैसा उन्हीं लोग में लगा देते हैं। अच्छा। बात समझ रहे हैं, उन लोग की बहन बेटी का शादी पड़ता है, 5 फूल के बर्तन, 5 साड़ी, 500 रुपया छागल रख कर दे देते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, हम लोग दान देकर वो वहाँ पानी वानी नहीं पीते हैं, इसलिए कि वो मेरे जजमान हैं, हम कई युग से देख रही हैं। अब यहाँ पे समाज सेवा में शादी वादी सब कराती हैं एकदम? नहीं शादी वादी में नहीं, जब दान देंगे, दान देते हैं मतलब लोगों को जैसे सुविधा अनुसार। हाँ। आपके साथ गार्ड भी रहते हैं, बताइए, इंडियन बीएसएफ काम कर चुके हैं, तो ऐसे गार्ड लेके चलते हैं प्रोटेक्शन में? क्यों नहीं, जब ऐसे चोर घटिया नेताओं का चरित्र रह जाएगा एक इसी नाचने वाली जात पे, बहुरूपीय से हमला करा देगा और प्रशासन सोई रहेगी, तो कौन उत्तर देगा? लेकिन एक बात बताते हैं श्वेता जी, किन्नरों को लेके बहुत मतलब लोगों की सोच है ना वो थोड़ी सी दूसरी है, अभी भी आम लोगों जैसे हम लोग हैं या महिला है या जेंट्स है, कंफर्टेबल लोग नहीं महसूस करते, ऐसा क्या रीजन है आपको क्या? और आप जब बनेंगी, आप जब संसद में पहुंचेंगी, आपको जब मौका देंगे लोग, तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं? पहले ये जजमान है जमाने से, हम लोग के जब नाचते थे बाबू ना तो एक से दो दिखाई देते थे, अब तक पता नहीं कहाँ कहाँ से फंड आ रहा है, किसी भी लड़के को बहका कर लालच देकर उसको बना देना धर्म परिवर्तन, पहले वो सीताराम कहेगा फिर उसका धर्म परिवर्तन अस्सलाम वालेकुम करेगा। बात समझ रहे हैं, आने दीजिए जगह, अगर पूछ रहे हैं संविधान की बात किंडों का, तो किंडों का बहुत बड़ा उपमा है, मगर अभी गंदा करते चले जा रहे हैं, नेता इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जब जाना कि ये चुनाव फाइट कर देगी, जनता की ललकार है, आवाज है, तो इस तरह मेरे ऊपर जानलेवा हमला का हमला हो रहा है। बताइए एक किन्नर जो समाज को सुधारने के लिए चुनाव लड़ने चली है, अब ये चैलेंज भी बन गई है। आप कितनी पढ़ाई की है हम ये? अरे छोड़िए पढ़ाई, समय पढ़ाई नहीं की है, फॉर्मल एजुकेशन आपको कितना है? पढ़ी हूँ तो वाणी से मालूम हो जाएगा। देखिए 1947 में पहली बार देश आजाद हुआ, 1947 के बाद किंडो ने इंडिया में 7 जगह से पर्चा भरा था। अच्छा। छोटो बड़ो पदों से। हाँ। और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया, जिस तरह गया, जबलपुर, कटनी, शहडोल, गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, ऐसे ऐसे पूर्वांचल सीटियों से किंडो ने पहली बार पर्चा भरा और पहली बार में 7 जगह से सीट को निकाल दिया
और ये नेताओं इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही फादर वाज पंडित मोतीलाल नेहरू, ही एडवोकेट एंड ही वाज ए रिच मैन, ही लिव्ड इन इलाहाबाद, द नेम ऑफ सी हाउस इज आनंद बाग, इट इज ए बिग हाउस एंड देयर इज ए ब्यूटीफुल। कहने का मतलब कि इंडिया की पहली रिकॉर्ड तोड़े थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छी बोलते हैं। हाँ, वैसे महान पुरुष को एक किन्नर ने मिसाल डाल दिया, शहडोल जिला मध्य प्रदेश में शबनम मौसी रही विधायक, और दूसरा रिकॉर्ड तोड़ा मेरा गुरु अमरनाथ उर्पासा देवी, जिसको कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है गोरखपुर, बुनियादी जमीन पे एक से एक माँ ने गुंडा पैदा की थी, उस जगह से हिजड़े ने अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया। कहना है कि समाज जलती है न परवाने का पर जलता है, और मोम के सीने में धागे का जिगर जलता है, तुम भीख में देते हो उजाले जिनके, उन चिरागों में मेरा खुद ही जिगर जलता है, प्यार की लेकर वफा का गीत गा सकता हूँ मैं, और मऊ की जनता खातिर जान की बाजी लगा सकता हूँ मैं, और मऊ की ये खुशियों की ये महफिल जगमगाने के लिए अगर रोशनी कम हो तो अपना दिल जला सकता हूँ मैं, मगर नेताओं बुझाने में ज़्यादा भड़कने का डर है। वाह, क्या बोलती है, आपकी शख्सियत बहुत बड़ी है। और एक लास्ट सवाल मैं आपसे करूँगा, बस लास्ट, आप प्रधान 2004 में लड़ी थी, प्रधानमंत्री के खिलाफ भी चुनाव में उतर चुकी हैं, क्या लगा था आपको चैलेंज करना था? नहीं, देखिए 2001 में एमएलए लड़ी थी, बस समझ रहे हैं, कुछ कारण हमको उसको 2001 में ऐलान कर दी थी कि मैं इस तरह का हमला हो रहा है, मैं आपको 2004 में लड़ूंगी और लड़ी। बीबीसी लंदन, लखनऊ, दिल्ली दूरदर्शन, प्रतिदिन अखबार पर और प्रतिदिन टीवी चैनल पर आए, मगर इस मुख्तार डान के गढ़ में जो लड़ी हूँ और तीन बार जानलेवा हमला हुआ है, इसे बहुत मैं दुखी हूँ कि मऊ की प्रशासन बताए और मऊ की चुनाव आयोग बताए कि क्या अभी पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, क्या इसी तरह किसी प्रत्याशी पे हमला होगा, ये हमको उत्तर चाहिए, कोई भी बता। तो उत्तर देना ही चाहिए, और प्रत्याशी पे क्यों, एक आम नागरिक पे भी हमला नहीं होनी चाहिए, कि कानून का राज है तो कानून चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और ये प्रत्याशी हैं, भावी लोकसभा उम्मीदवार हैं घोसी क्षेत्र से, और ये अपनी चुनाव प्रचार कर रही हैं अपने गाड़ियों पर, देख लीजिए। और देखिए किन्नर समाज की जब आप बात करते हैं तो दिमाग में जो आपका तस्वीर है किन्नरों के लिए, आप जो समाज में मजाक बनाते हैं हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल करके, अब देखिए कि इनकी रिप्रेजेंटेशन कितनी बढ़ रही है, देखिए कि अपने हक की लड़ाई कितनी लड़ रहे हैं, और अब अपनी हक की क्यों, अब ये दूसरों के हक की लड़ाई की बात कर रही हैं संसद में जाके रिप्रेजेंटेशन पे। खैर, ये वक्त बताएगा कि जनता किसे अपना उम्मीदवार चुनती है, लेकिन आप उम्मीदवार बने और हम जनता के लिए काम करेंगे, ये बात बोलना भी बहुत बड़ी ताकत की बात है। लास्ट, चलिए देखिए, हमारे कहने के मतलब कि तमाम पार्टियां ऑफर दे रही थी, मैं किसी को दो, सब पार्टियां ऑफर, सब ऑफर दे रही थी, बात समझ रहे, सारी पार्टियां ऑफर दे रही थी, मगर मैं एक जमीनी नेता समझिए, या हमको जहां से 24 घंटा पहले देश आज़ाद हुआ था वहां ने मेरी माँ ने पैदा की थी, वो मैं अपनी बाड़ी को लिहाज किया, निर्दल कर दिया था, मगर आपका इस बार आशीर्वाद रहा तो सटीक निशाना साधूंगी। हम भी पार्टी से आ रही हूँ, घबराइए मत, मैं ओम प्रकाश भर नहीं हूँ कि जिसी पत्तल में खाऊंगी उसी में छेद करूंगी, ये तो बोलता है कि कुरकुरातिया भटोला में अंडा देतिया चमटोला में, अब तो उस टाइम पूछूंगी जब चुनाव आने दीजिए कि क्या नेता ऐसे बोलते हैं क्या, तेरे संविधान कानून सरिया और कुरान शरीफ में लिखा है क्या, यानी बताओ तो उत्तर, हमको बस उत्तर चाहिए, तू जीत जो रसमलाई खा, अभा बुलडोजर चलवा, अभा पैसा इकट्ठा कर ले, हमें नहीं लेना देना है, मेरी माँ ने जितनी पढ़ाई है सच्चा पढ़ाई है, ईमानदारी पढ़ाई है, हमारा पूरा अधिकार है तुझे प्रश्न का उत्तर लेने का। इसी शब्दों के साथ अपने वाणी पे विराम देती हूँ, जय हिंद जय भारत।
चलिए तो बाकी आप राय दीजिए, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।